तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज हम लोग खेल रहे हैं ड्रैगन मैनी लेजेंड्स। और गाइस, इस वीडियो में हम लोग हैच करने वाले अर्थ स्पिरिट ड्रैगन को, जो कि एक लेजेंडरी ड्रैगन है, काफ़ी बढ़िया ड्रैगन है, जिसका अटैक लेवल है 72 और उसका एचपी लेवल है 240। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार रहने वाली है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी ऑल कर देना। और गाइज, मेरे जो चैनल का मतलब फेसबुक पेज का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके फॉलो कर लेना, काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। तो चलो गाइज, अभी हम लोग हैच कर लेते हैं अर्थ स्पिरिट को। ये देखो भाई, हमारा अर्थ स्पिरिट ड्रैगन, इसे हम लोग लेजेंडरी हैबिटेट में प्लेस कर देंगे। तो यार, YouTube वालों, अगर भाई Facebook में भी फॉलो करोगे भाई, तुम्हारे भाई को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, दोनों में ही करते रहना। तो गाइज़, यहाँ पे अर्थ स्पिरिट ड्रैगन को हमने प्लेस कर दिया। 205 माइलस्टोन दे रहा है क्योंकि ये लेजेंडरी है। ये देखो गाइज, इसके स्टेट 72 डैमेज है, 240 HP है। तो गाइज, इसे चलो थोड़ा फीड करेंगे अभी। भाई साहब, 15 मिलियन फूड है मेरे पास अभी। 15 मिलियन थोड़ी ना दूंगा मैं इसे, इसे मैं कर दूंगा 30 का कर दूंगा। बाकी जितना बचेगा मैं कोलियाडा का दूंगा। शायद ये भी हो सकता है 12 to 13 मिलियन बचेगा इसके बाद, इसे 30 करने के बाद वो हम लोग कोलियाडा को फीड करेंगे और देखेंगे कितने लेवल का होता है कोलियाडा हमारा। और गाइज, ये देखो अर्थ स्पिरिट ड्रैगन को मैंने 30 का कर दिया है। अब गाइज, ये मैं इसका बेस्ट एलिमेंट भी आपको बताऊँगा कौन से मोड के लिए, वो भी मैं आपको बैटल के बीच में बताऊँगा ही। तो चलो यार, अभी ट्रेनिंग करवाते हैं, ट्रेनिंग टाइम आ चुका है। तो गाइज, हमने इसे परफेक्ट ट्रेनिंग 0 में इसके साथ करवा दिया है। तो गाइज, एक बात मैं वापस से याद दिला देता हूँ आप लोगों को कि भाई, मैंने अपने फेसबुक पेज का, रैडर प्लेस फेसबुक पेज का भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके फॉलो कर लेना। तो चलो यार, यहाँ पे कोलिया हमारे पास 13.33 मिलियन फूड है। चलो कोलियाडा को दे देते हैं, मुझे लगता है कि 62 हो ही जाएगा, देखते हैं, क्योंकि एक बार में ये 4 मिलियन से भी ज़्यादा खाता है। तो 62 और नहीं होगा, और एक बार दे दिया। 62 लेवल का हो चुका है हमारा कोलियाडा। भाई साहब, अब ये तो मतलब एरिना में तबाही मचा देता है, मतलब सेल्फ डिवाइन करके 48 मिलियन डैमेज है भाई। इसका एचपी देख रहे हो, 362 मिलियन। भाई साहब, और एक्सेप्टेंस और वंडर सिगिल के साथ तो मतलब ये सब खतरनाक है भाई, मजाक नहीं कर रहा। और गोल्ड ले लेते हैं गाइस। गोल्ड लेने से भी पहले क्वेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि मैंने कंप्लीट करके रखे थे। और यहाँ पे एक ही सेंड गिफ्ट टू योर फ्रेंड्स 3 times, वो मैं बाद में भेज दूंगा क्योंकि मैं रोज़ भेजता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे क्वेस्ट हमने क्लेम कर लिया है। अब गाइस, वैसे क्लैन वॉर में क्या चल रहा है, क्लैन फाइट में वैसे हम लोग यार देखो नॉनस्टॉप 3 हार चुके हैं। चलो कोई नहीं भाई, वैसे चिप ड्रैगन जो है हमारे पास, क्लैन ड्रैगन, वो उससे काम नहीं होगा। आगे जाके अगर कोई एपिक क्लैन ड्रैगन मिला उससे ही, क्योंकि वो अच्छा डैमेज देगा, उसी के वजह से ही भाई हम थोड़ा सा जीत सकते हैं। तो चीप भाई थोड़ा सा फेल हो रहा है, और MVP भी हम ही बन रहे भाई। और यहाँ पे भाई साहब देखो, क्रिटिकल डैमेज लगा है, मैं सीज करता हूँ। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये जो स्प्राइट्स देख सकते हो, स्पिरिट्स देख सकते हो, ये जो आँख के गोले भाई, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बुक कलेक्ट करके, क्लैन क्वेस्ट करके कलेक्ट करो, और इससे भाई हमला करो, जिससे कि हमारा स्कोर बढ़ सकता है। और अगर भाई हमारे क्लैन मेट्स अगर मेहनत करेंगे, देखो सामने वाले बंदों के पास 86,000 स्कोर है और हमारा 52,000, वही 34,000 का ही फ़र्क है। अगर भाई मेरे क्लैन में, हमारे आप लोग मेरे क्लैन में हो, तो भाई मेहनत करोगे तो हम लोग इस बार जीत सकते हैं। अगर नहीं जीते कोई बात नहीं है भाई, अगली बार तो जीत ही लेंगे। जब एपिक क्लैन ड्रैगन मिलेगा तभी जाके ही जीतेंगे, वरना तो मतलब जीतना ही मुश्किल है। वैसे यहाँ पे गाइस, ये देखो वर्डेंट ड्रैगन गाइस हमें मिल चुका है। और गाइज, इसका भी गेम प्ले वीडियो सुन आने वाला है। वैसे ये लेजेंडरी है, कार्ड पैक से मुझे फाइनली मिल गया। भाई साहब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था इसे पाने के लिए मैं। और स्नो ग्लोब ड्रैगन भी मुझे मिल चुका है। और गाइज, यहाँ पे लिक्विड फायर तो वैसे कुछ काम का नहीं है। और गाइज, कोलियाडा 1.45 मिलियन है। चलो ये और एक बार दे देते हैं, और 2 अगर मैंने कोलियाडा को दे दिया 63 का हो जाएगा। और ब्रीडिंग से क्या निकला, वैसे हाई प्रीस्टेस मेरा निकलता ही नहीं है भाई, निकल ही नहीं रहा। चलो अभी हम लोग बैटल की तरफ चलते हैं।
वैसे मैंने इसके जो मूव्स है, एलिमेंट्स है, उन्हें अवेकन अवोकन नहीं किया है। अवोकन करता तो भाई साहब 2-3 दिन का टाइम लग जाता वीडियो को लाने में, तब तक ये इवेंट ख़त्म भी हो जाता। तो गाइज अभी इसके पास ओनली लेजेंडरी एलिमेंट ही है, तो हम लोग ले लेते हैं अर्थ स्पिरिट, और मिडिल में हमने ले लिया है, और थर्ड मिडिल में रॉक ड्रैगन लिया है हमने। रॉक ड्रैगन की जगह एक काम करते हैं, लेजेंडरी टीम बनाते हैं, एम्प्रेस ड्रैगन लेते हैं, और हार्मिथ ड्रैगन और अर्थ स्पिरिट, तीनों के तीनों है लेजेंडरी। तो चलो गाइज अभी डैमेज देते हैं। भाई साहब 18.1k का डैमेज दे रहा है भाई साहब, देख रहे हो। देखो यार एम्प्रेस ड्रैगन भी 30 लेवल का है, पर वो 18,000 का डैमेज, क्या 16,000 का डैमेज भी नहीं दे पा रहा है। और एंड ये मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई ट्रेनिंग करवाने के बाद 1.5k का ही डैमेज बढ़ता है, ना कि भाई 2 या 3,000 का। और भाई इसका मतलब अटैक लेवल तो कमाल का मुझे लगा है। बाकी मैं एलिमेंट्स की भी बोलूँगा, मैंने अभी एलिमेंट्स से चेक तो नहीं किया, पर मैं बोल सकता हूँ कौन सा इसका बेस्ट है। चलो यहाँ पे रैग्नारोक ड्रैगन को सबसे पहले मारते हैं। कितना डैमेज दे रहा है भाई साहब 18.1k का वापिस से भाई। ये देखो एम्प्रेस दे रही है 15.5k, और हर्मित कितना दे रहा है। वैसे ये तो नॉर्मल शॉट था, अगर परफेक्ट भी हो जाता 15k का ही देता भाई। अर्थ स्पिरिट ड्रैगन का सच बता रहा हूँ, इसका जो अटैक लेवल है मुझे कमाल का, सरप्राइजिंग अटैक लेवल है इसका 72, जैसे कि एक लेजेंडरी का होता ही है। पर भाई इसका तो मतलब गेम में तो डैमेज कुछ और ही जा रहा है। तो गाइस इसके बेस्ट एलिमेंट की भी मैं बेस्ट एलिमेंट की बात करते हैं एक सेकंड भाई। सबसे पहले उसकी टर्न आने दो भाई। अर्थ स्पिरिट ड्रैगन, अर्थ स्पिरिट ड्रैगन कहाँ गया भाई। हर्मिट का बारी आ चुका है, उसके बाद सीधा टर्न है अर्थ स्पिरिट का। भाई इसका बेस्ट ऑलवेज भाई लेजेंडरी सिगिल ही होगा, ये भाई मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स को पता ही होगा कि भाई जो भी मतलब एलिमेंट हो उनमें से बेस्ट एलिमेंट लेजेंडरी होता है। अगर लेजेंडरी ड्रैगन है उसका बाकी एलिमेंट भी है, तो भाई उसका बेस्ट एलिमेंट ऑलवेज लेजेंडरी होगा, क्योंकि वो ड्यूएल्स भी कर सकता है, उसका कुछ होता है ड्यूएल्स अगर एकेडमी में उसे लेवल 6 कर दोगे तो। भाई साहब डैमेज बहुत खतरनाक जाता है। मेरे पास वो जो रेंजर ड्रैगन है वो भी लेजेंडरी है भाई साहब, वो करता है हीरोइक ड्यूएल्स, भाई साहब छोड़ता नहीं है किसी को। तो चलो यार ये बैटल हम लोग जीत चुके हैं, इसके अगले बैटल में ये कौन से मोड के लिए बना है मैं भी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे 29 और 30 का है, तो देखेंगे गाइस ये कितना डैमेज देता है। सबसे पहले ये देखो गाइस जितना ये डैमेज दे रहा है भाई, जितना वो डैमेज दे रहा है भाई साहब कमाल का डैमेज, वो भी 29 लेवल के ड्रैगन का। और ये ऑब्वियसली भाई एरिना के लिए बना है, और एरिना के लिए मतलब कमाल का है भाई। इसका अटैक लेवल मैं डुनगियन के लिए नहीं बोलूँगा, HP भी इसका काफ़ी सही है, डुनगियन के लिए भी मैं सजेस्ट करूँगा। पर ज़्यादातर प्लेयर जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उन इसे तो भाई साहब बहुत ज़्यादा लेवल का कर देंगे, और एरिना में जम मार देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ओपी ड्रैगन है ये एरिना के लिए। ऐसे नए नए लेजेंडरी ड्रैगन आते हैं भाई साहब, प्लेयर्स क्या करते हैं उन्हें एरिना टीम में ले लेते हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा ओपी ड्रैगन ये एरिना के लिए ही बना है भाई साहब। इसका अटैक और HP भाई साहब सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे, और इसका स्पेशली अटैक लेवल मतलब सरप्राइजिंग है यार। तो ये बैटल हम लोग जीत चुके हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना, ऐसी वीडियोस में हर रोज़ लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।